बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। तो दोस्तों मैंने कहा चलो आज आपको ना ये एक हमारे गांव के साथ ना छोटी सी कानूनी बन रही है, टाउन बन रहा है इजाफी आबादी के नाम से। वो पीछे देखे गाँव साथ ही हैं, बिल्कुल हमारे गाँव के ना बिल्कुल अटैच है, साथ ही गलियाँ निकल रही हैं। तो वो रोड बना रहे थे टफ टाइल का ना, मैं थोड़ा सा आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह घर भी बन चुका है उसमें, और ये उसका ऑफिस है। बाकी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। चप्पल है ना, चप्पल कंधा के ना पाड़ दो भाई जी, मैं कोठी पाड़ देनी नहीं, कोठी पाड़ देनी, कंधा ही पाड़ देनी, ले जो मैं का फ्रंट से दोबारा फिर पाड़ दे सारे। ये जी ऑफिस है, तो वो देखे वो साथ बिल्कुल अटैच आबादी है, आबादी के साथ ये बना हुआ है। ये मैं आपको दिखाने वाला था दोस्तों, ये रोड बना रहे हैं सड़क माशाल्लाह। ये पहले नीचे तो उन्होंने मिट्टी वगैरह डाल के सही भर्ती करके प्रेस किए, प्रेस करके बुलडोज़र के साथ बेड बना के फिर बजर डाल के फिर ऊपर बारीक बजरी डाल के फिर रेत डाल के एक बेड बनाया। बेड बना के सही जब मजबूत हो गई है तो फिर वो ये देखें ये वालर आजकल ये टफ टाइल की ना सिवरी वगैरह डली हुई है। तो ये देखें ये साथ आबादी है, ये देखें बिल्कुल साथ ही आबादी है। ये पीछे स्कूल है, मैं आगे आपको स्कूल भी दिखा देता हूँ लड़कियों का, वो शायद मस्जिद के मीनार भी नज़र आ रहा है। तो ये साथ आबादी है, ये वो रोड बना रहे हैं। ये है जी इस तरह डिज़ाइन से, डिज़ाइन वाली ये टफ टाइल भी होती है, सादी भी होती है, जो मर्जी लगवाना कलर में भी होती है।
तो ये बहुत प्यारा, कहते मजबूत होता है, ठोस होती है ये। ये देख, ये तो लाल कलर में भी है और सफ़ेद कलर में भी। ये तो बिल्कुल सादा गुटका टाइल है, कोई डिज़ाइन वाली नहीं है, लेकिन कितनी प्यारी मजबूती से जुड़ी है। ये थोड़ी सी जगह बच गई है, वो फिर जोड़ेंगे। ये देखिए, इसमें अब उन्होंने वैसे एक डिज़ाइन बनाया। तो ये कहते हैं इसका फ़ायदा बहुत होता है, अगर ये जो घर बना हुआ है साथ, अब इन्होंने अपनी सिवरे डालनी है यहाँ मेन होलों में, तो वहाँ से वो खुदाई करेंगे, खुदाई करके फिर सिवरे डाल के ये फिर जितने पीस निकलेंगे उठा के फिर वहीं पे जोड़ देंगे। इसका ये फ़ायदा होता है, जो वो दूसरी बजरी वाली सड़क होती है ना पक्की, उसको वहीं से खुदाई करके फिर पाइप सिवरे वगैरह के डाल के, तो वो फिर वहीं पर छोड़ देते हैं, पक्का नहीं करते। अगर पक्का भी करते हैं तो वो उसका जोड़ जो होता है ना, वो साथ नहीं मिलता, वो ये ऊपर नीचे रहता है, वो फिर कुछ दिनों के बाद फिर उखड़ जाती है। तो इसको तो ये फ़ायदा कि ये फिर अब जितनी टाइलें ख़राब हो खाड़ के फिर वहीं पे जोड़ दी बराबर करके, तो ये नीचे इसके सही प्रेस हो जाती है। बिल्डोर वगैरह रूरल चलता है, नीचे इसका बेड बेहतरीन बन जाता है, तो ऊपर ये जोड़ दी जाती हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मजबूत और पायदार काम है, और ख़ूबसूरती वाला भी है। पाकिस्तान में तो अब चल रहा है, लेकिन चाइना में, सऊदी अरब में, अमेरिका में, इटली, फ्रांस में, वहाँ पे तो मैंने भी देखा है, ये वहाँ पे बहुत काम है, बहुत चलता है। अब यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी लगी हुई भी हैं। इंशाल्लाह मैं एक दिन ये पार्ट वन है, पार्ट टू फैक्ट्री का विज़िट करवाऊँगा, वहाँ पर ये किस तरह टाइल बनती है, कितने डिज़ाइनों में बनती है, और क्या क्या इसका तरीक़ाकार है, तो वो भी मैं फिर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बिल्कुल साथ ही गाँव है खेत, ये जिन्होंने अपने प्लाट वगैरह खरीदी, आयरे वगैरह डाल दिए हैं। तो ये कलर और था, ये वो बैरियल तक, वो जो आगे बैरियल नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक जुड़ चुकी है, बहुत लंबाई में है। ये बेड वगैरह बनना पड़ा है, ये घर माशाल्लाह तैयार हो चुका है। ये मेरे मामू का ही है, इसका भी कभी आपको मैं विज़िट करवाऊंगा अंदर से सारा। ये बेसिकल जो कानूनी बन रही है ना, ये मेरे कज़न और मामू ही बना रहे हैं, वो यही काम करते हैं। ये देखे, ये साथ स्कूल है, ये आप ये जो सड़क जा रही है बिल्कुल स्कूल के साथ आगे जाके निकल जाएगी, ये लड़कियों का स्कूल है, थोड़ा सा चारा, बीच में चारा के बाद स्कूल है, ये घर नया बना हुआ है। तो ये दोस्तों देखे, ये एक लाल कलर वाली है, ये फिर आगे निकलती जाएगी इस तरह, सूरज भी निकल आया। तो ये जी ऑफिस का कुछ थोड़ा सा सीन मैंने का दिखा दूँ, घास वगैरह बैठने के लिए ना, पार्क वगैरह छोटा सा एक बनाया हुआ, पौधे वगैरह लगाए हुए, इतना बड़ा सेटअप तो नहीं है माशाल्लाह, फिर भी बहुत है। तो ये दोस्तों बिल्कुल, ये भी अब घर बना हुआ है, लोगों ने रिहाइश रख ली है। ये देखो बिल्कुल साथ ही बादी टच है, खंभे वगैरह लगे हुए हैं, सिवरे वगैरह भी डाल चुकी है, लेकिन ये देखो ये अब रोड बना पड़ा, जब इसके ऊपर वो टाइफ टाइल जोड़ेंगे, इसके ऊपर गज लगा के सही तरह प्रेस करके, तो फिर टफटा लगा देंगे। तो ये इसका है। तो जी दोस्तों, जी दी अपने भाई वकार लिया करके इजाज़त, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। तो सब दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरी वीडियो को वॉच और लाइक लाजमन किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वक्त वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम।